टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीस। सो हे दोस्तों, क्या आप भी आज के समय पर कोई नया और लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूं ऐसे 5 स्मार्टफोन। तो भाई, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन्फिनिक्स 05G 2023 एडिशन की। बात करें इस फोन की गाइस, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है। पर दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी कमाल के दिए गए। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.78 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 500 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। चलिए बात करते हैं कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है। डे लाइट और साथ ही साथ दोस्तों लो लाइट में भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी बेटर फोटोज देखने को मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 920 का चिपसेट, जो कि दोस्तों 6nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। तो फोन काफ़ी कम गर्म होता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी दिया गया है। वैसे दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 460,000 के आसपास स्कोर भी कर जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। वैसे ये फोन काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कराता है। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आती। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर आता है और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। और तो और, आपको यहाँ पर 5GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिलेगी, यानी कि दोस्तों 8GB प्लस 5GB 13GB तक की रैम और 128GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है। आपको पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपये। और देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें यार इन्फिनिक्स की तरफ से कोई लेटेस्ट फोन लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स का Note 30 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन चीप प्राइस पर आपको बहुत ही कमाल की बिल्ड क्वालिटी देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको ग्लास बिल्ड के साथ में मिलेगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक वेगन लेदर वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है फोन की, वो यहाँ पर टॉप नॉच मिलती है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.78 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, 580 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इनडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEG का प्रोटेक्शन दिया गया है। रही बात गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। हालांकि डिस्प्ले क्वालिटी IPS है, लेकिन डिस्प्ले की जो क्वालिटी दोस्तों, वो बहुत ही कमाल की है। बात करें कैमरास की, तो आपको यहाँ पर बैक साइड में 3 कैमरास दिए गए। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.75 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ दिया गया और आपको यहाँ पर एक QVGA सेंसर भी देखने को मिलेगा। बैक कैमरा मॉड्यूल आपको हालांकि थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी फोन की अच्छी है। डे लाइट में आपको फोटोज में कोई शिकायत नहीं आती। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, जहां पर आपको ड्यूल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपको यहां पर एक डिसेंट सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आपको यहां पर 2K तक की वीडियो का रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS, और फ्रंट कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहां पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity का 6080 का चिपसेट। और दोस्तों, ये जो चिपसेट है, ये आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 400,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ आपको गेमिंग के लिए यहाँ पर दिया गया G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग भी करा देता है। तो अगर आप यहाँ पर हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग जैसे टास्क वगैरह भी करना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। बात करें अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। साथ ही साथ ये फोन 45W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से गेमिंग के समय पर अगर आप इस फोन को चार्ज करते हैं, तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, ये काफ़ी कम हीट होता है।
और अगर आप चाहें तो इस डिवाइस की मदद से अपनी और किसी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, जहाँ पर आपको JBL ट्यून्ड स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो आउटपुट है दोस्तों वो तो यहाँ पर काफ़ी कमाल के हैं। रही बात यहाँ पर कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और साथ ही साथ ये फ़ोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 पर। और बात करें दोस्तों यहाँ पर 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी काफ़ी कमाल की बात है। तो बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपये, और देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। पर गाइस अगर आप इस बजट के अंदर एक नॉन चाइनीज़ फ़ोन ढूंढ रहे हैं और तो और आपको 5G का सपोर्ट भी चाहिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं सैमसंग का गैलेक्सी F14 5G। बात करें इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन दोनों ही फ़ोन के यहां पर बहुत अच्छे दिए गए। डिस्प्ले की बात करें तो फ़ोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली PLS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, अप टू 500 निट्स तक की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट देखने को मिलेगी। बात करते हैं आप यहाँ पर कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो शूटर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर, तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर डिसेंट है। आउटपुट की बात करें भाई, तो डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको 5nm बेस एक्सिनोस का 1330 का चिपसेट देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो चिपसेट है ये कॉम्पिटिटर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि आपको यहाँ पर ओवरऑल CPU परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। हालांकि गेमिंग आपको यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं करा सकता, लेकिन आपको डेली जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकाल कर देता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और EMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फ़ोन के पावर हाउस की, तो इस फ़ोन के बैक साइड में 6000mAh का बड़ा सा बैटरा आपको मिलता है, और साथ ही साथ ये फ़ोन 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है, तो ओवरऑल बैटरी तो अच्छी है, लेकिन चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें, तो यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और तो और ये फ़ोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 पर, लेकिन यहाँ पर आपको कोर एडिशन देखने को मिलता है। पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ गाइस, ये जो फ़ोन है ये आपको लगभग सभी 5G बैंड के सपोर्ट के साथ में मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए नॉर्मली आप पर क्या हो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक स्टॉक UI वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, 120Hz जैसी डिस्प्ले चाहिए और अच्छे कैमरास वगैरह भी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोटो का G62। ये जो फ़ोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई है, और साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। रही बात स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, और 600 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस भी दी गई है। साथ ही 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन के यहाँ पर अच्छे हैं, डे लाइट में फोटोज भी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 60 FPS, और फ्रंट से आपको यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का 5G चिपसेट। वैसे दोस्तों ये इस बजट के अंदर आने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, और दोस्तों ये फोन लगभग 4 लाख के आसपास अंततः स्कोर भी कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला आपको यहां पर स्टोरेज भी दिया गया है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी और 20W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही साथ हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर मिलने वाला है। सो ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, अप टू 12 5G बैंड के साथ में भी आता है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं।
बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देंगे 15,999 रुपए। बात करें दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के आखिरी और वन ऑफ द बेस्ट फोन की, या फिर यूं कहें कि एक अच्छे खासे ऑलराउंडर पैकेज की। तो दोस्तों ये फोन है यहाँ पर पोको का X5। प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ ये फोन भी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की डस्ट सैंपलिंग रेट। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। वैसे डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की निकल कर आती हैं, और साथ ही साथ काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30fps। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर भी आपको वही सेम चिपसेट मिल जाता है, 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि अराउंड यहाँ पर 4 लाख के आसपास अंतुतु पर स्कोर करता है। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस डिसेंट मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के अंदर अच्छी निकाल कर देता है। वहीं पर फोन के पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें, यहाँ पर आपको दिया गया एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। वैसे ये फोन एंड्रॉइड 12 पर ही लॉन्च किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर पोको की कस्टम स्किन MIUI 13 का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में आता है। सो अगर आप इस बजट के अंदर कोई एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए इस समय आपको दे देंगे 15,999 रुपए, और देखा जाए भाई तो 16,000 रुपए के अंदर एक काफी अच्छा और तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। आप चाहें तो इसे डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये थे वो 5 स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं अंडर 15,000 रुपीज की प्राइस पॉइंट में, और आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।